सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने साल 2024 के 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स इसे cbse.gov.in, cbse.nic.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। बता दें, उमंग और डिजी लॉकर के जरिए भी रिजल्ट चेक किए जा सकते हैं। CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 15 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक चले थे, जिसके बाद आज यानी 13 मई को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, साल 2024 में 16,33,730 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या 16,21,224 रही। CBSE 12th बोर्ड एग्जाम में पास होने वाले बच्चों की कुल संख्या 14,26,420 रही, जिसके बाद पास परसेंटेज 87.98% रहा। इस साल CBSE 12वीं बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मार ली है। इस साल भी लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों से 6.40% ज्यादा है। CBSE बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले CBSE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या cbse.nic.in, results.cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इतना करते ही आपको नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां रोल नंबर जैसी अन्य डिटेल्स भरें। अब CBSE बोर्ड रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब आप चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।